हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझ लिया था। उसमें आई होप कि आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मेथड क्या है, ये वो हाइब्रिडाइजेशन से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से रिलेटेड मैंने थोड़े बहुत कंसेप्ट बताए थे जो कि आगे भी जाके मैं सीएफटी में आपको बताने वाला हूँ एज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, वहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। वो जो मैं बताऊंगा धीरे 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 आपका मतलब इस तरीके से सिलेबस का फ्लो मैंने बनाया है कि आप लोगों को रिपीटेशन 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 मिलता रहे। सो डोंट वेरी, अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 7 बना रहे। लेक्चर 7 से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम लेक्चर 7 में केवल और केवल क्वेश्चन ना डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं एक एक क्वेश्चन जो कि पुराने कंसेप्ट और नए कंसेप्ट सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको एक बार और कंसेप्ट में मतलब इम्प्रोवाइजेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देख लेते पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें वीबीटी से भी रिलेटेड है। अरेंज द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मूमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूमेंट से रिलेटेड आपको, ठीक है, इससे क्वेश्चन करने, मैं आपको क्वेश्चन का बता देता हूँ। यहाँ पर सी आर सी एन सिक्स यहाँ पर 3-, ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब जैसे सी एफ टी करेंगे तो हम सी एफ टी से भी निकालना सीखेंगे। सी आर एम एन सिक्स 3-, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका एफ ई सी एन सिक्स 3-, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों जो जल्दी बोलो सी ओ सी एन सिक्स 3-। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों फोर्थ। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में बताना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है और किसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है, क्योंकि हमको ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालने के लिए तुम आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है ताकि आपको पूरा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाए। तो एक एक करके देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जल्दी बोल दो। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। अब सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, सी आर का ओ एन नंबर, ओ एन नंबर निकालो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी आर का, जल्दी बताओ सी आर का ओ एन नंबर आपका कितना होगा। तो इसको निकालते एक्स मान लेते, ये मैंने मान लिया एक्स, 6-1=-3। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस 3, एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा यहाँ पर प्लस 3। ठीक है, अब ये प्लस 3 हो गया तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों यहाँ पर सी आर प्लस 3। अब सी आर प्लस 3 का मैंने कल आपको लिखवाया था क्या, सी आर प्लस 3 का मैंने कल आपको लिखवाया था क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो सी आर प्लस 3 का कितना होता है बच्चों, जनरली सी आर का कितना होता है, सी आर का होता है 3d5 4s1। अब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऑर्गन यहाँ पर हो जाएगा 3d3 4s0 और 4p0। ठीक है, 4p0। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल कितने बच्चों, यहाँ पर डी ऑर्बिटल में आपके 5 होंगे, ये हो गया आपके 5 डी ऑर्बिटल। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो गए, एक एस ऑर्बिटल, और यहाँ पर कितने होंगे, एक पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल, अब यहाँ पर 3d3, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब यहाँ पर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
तो कितने यहाँ पर सीएन आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सीएन आपका कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देना, ठीक है, ये इसका काम है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देना। अब यहां पर ये आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, तो अगर ये पेयरिंग करेगा तो यहां पर छह कोऑर्डिनेशन नंबर छह का मतलब आपका स्ट्रक्चर ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल जो होगा, और ऑक्टाहाइड्रल में आपका क्या क्या होगा, या तो डी टू एस पी थ्री होगा, या तो एस पी थ्री डी टू होगा, ठीक है। तो या तो इनर वाले दो ऑर्बिटल काम में आएंगे, या तो आउटर वाले दो ऑर्बिटल काम में आएंगे। अब यहाँ इनर वाले दो ऑर्बिटल चाहिए मुझे, वो भी डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पहले से ही अरेंज है ना, इनर वाले डी ऑर्बिटल कितने यहाँ पर खाली है पहले से ही। जब यहाँ पहले से ही मुझे वेकेंट स्पेस मिल गया है, तो इसको पेयर कराने से हमको कितने डी खाली होंगे, तीन, लेकिन मुझे खाली कितने डी चाहिए, दो डी चाहिए। अब बात को ध्यान से समझना, नोट डाउन कर लेना इस बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं बेटा मैं। अब समझना बेटा, यहां पर अगर मेरा, अगर जितना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जितना कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर है, उतने डी खाली नहीं होते, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में मैं उसको पेयरिंग कराता हूं। लेकिन पहले से ही अगर उतने डी खाली है, तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वो वीक फील्ड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि मुझे उतने ही खाली चाहिए होते हैं। तो यहां पर मुझे दो डी अंदर वाले खाली चाहिए, तो उतने ही है। तो यहां पर जैसे ही मैं इसका क्या कराऊंगा बच्चों, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में मैंने क्या कराया बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। लिखा, नोट डाल के लिखवा दूंगा मैं वहां पर, यहाँ पर नोट डाल के मैं लिखवा दूंगा इस पॉइंट्स को, तो आप लोग समझना, ठीक है, यहाँ पर नोट डाल के लिखवा दूंगा मैं। पहले देख लेते हैं, आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कितने डी है, पांच डी है, ठीक है। अब पांच डी खाली है, तो पांच डी में कौन आ जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर सी एन, सी एन, सी एन, पांच, यहाँ पर दो डी खाली है, सॉरी दो डी खाली है, एक एस खाली है और तीन पी खाली है, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके सी एन, सी एन, सी एन, और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, बोलो जी जल्दी से। यहाँ पर तीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3+2 मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 15 बोर मैग्नेटॉन, मतलब 3.95 अप्रोक्स बोर मैग्नेटॉन, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये पहले का निकल गया, अब सेकंड का निकालते हैं, सेकंड कंपाउंड का, सेकंड कंपाउंड का कैसे निकालेंगे बच्चों, सेकंड कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड कंपाउंड के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ एम एन है मेटल, तो एम एन का आप लोगों को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एम एन को एक्स माना, सी एन का -1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, +3, तो एम एन प्लस थ्री का आपको बनाना है। अब देखो एम एन प्लस थ्री का, एम एन प्लस थ्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा, एम एन का कितना होता है, एम एन का कितना होता है बोलिए, एम एन का होता है आपका 3d5 4s2, ठीक है। अब प्लस थ्री का कितना होगा, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 3d4 4s0 4p0, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो यहां पर इसका हम बना लेते हैं ऑर्बिटल वापस से, तो यहां पर मैंने बनाया डी ऑर्बिटल, यहां पर मैंने कौन सा ऑर्बिटल बनाया, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल बनाया, 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर एस, यहां पर आपका पी, ठीक है। आप देखो यहां पर 3d4, 3d4 क्या होगा बच्चों, यहां पर देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर कितने सी एन है, सी एन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, सी एन यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, तो अब देखो सी एन यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, और कोऑर्डिनेशन कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 का मतलब क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा, 6 का मतलब ऑक्टाहाइड्रल होगा, और ऑक्टाहाइड्रल के लिए कौन सा चाहिए, डी टू एस पी थ्री चाहिए, या फिर एस पी थ्री डी टू चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, वी वी आई, बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल। अब देखो मुझे अंदर वाले या तो दो डी खाली चाहिए, या तो बाहर वाले दो डी खाली चाहिए, और ये कैसा लिगेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, क्यों, क्योंकि कार्बन डोनर है, क्योंकि कार्बन डोनर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, बात क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर समझना, अंदर वाले दो डी खाली चाहिए, या तो मुझे बाहर वाले दो डी खाली चाहिए, ठीक है। अब अंदर वाले दो डी खाली चाहिए, लेकिन यहां कितने डी खाली है,
एक खाली है, ठीक है। अब अंदर वाले 2D खाली करने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन को तो पेयर करेगा, लेकिन कितने को करेगा? उतने को ही पेयर करेगा जिसमें अंदर वाले 2D खाली हो जाए, उतने को ही पेयर करेगा जिसमें अंदर वाले 2D आपके खाली हो जाए। तो देखो इधर केवल और केवल कितने की पेयरिंग होगी, एक ही की पेयरिंग होगी, ठीक है। अब यहां पर पेयर हो जाएगा आपका, पेयर होते क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यहां पर आप देख लो, यहां पर आप देखो, यहां पर आपके कितने डी खाली हो गए, 2D खाली हो गए, और यहां पर 1S खाली हो गया, और यहां पर 3P खाली हो गए। अब इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा 6, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, कल भी मैंने ऐसे कराया था, ये आपका CN, 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 और ये आपका CN, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2। तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बना लो, तो 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 × 8 अंडर रूट ऑफ 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2.85 जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गया, यहाँ पर इसका भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ गया, और इसका भी आ चुका है। अब हम इसका निकालते देख लेते, इसका थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, ये कंपाउंड को, इन दोनों के कंपाउंड को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने FeCN6 3-, यहाँ पर लिख देता हूँ CO CN6 3-। अब देखो यहाँ पर बोलो, सबसे पहले ये आपका थर्ड कंपाउंड है, अब सबसे पहले यहाँ बोलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, आप लोग निकाल सकते हो, 6 × मोनोडेंटेड है तो 6 हो जाएगा। अब आप लोगों को आ गया होगा, आई होप सो, काफ़ी ईजी चल रहा है आप लोगों का चैप्टर, काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, अब मेटल आयन का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितना होगा, इसको x माना, 3 CN का -1 और इसका 3-, तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया, +3, तो यहाँ पर Fe कितना हो जाएगा, +3। अब Fe का जनरल आइसोलेटेड स्टेट में Fe का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 3d6 4s2, क्या होता है, 3d6 4s2। अब Fe में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2 गायब हुए 1 गायब हुआ, तो क्या बचेगा, 3d5। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ऑर्गन 3d5। अब ये ऑर्गन 3d5 का मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर 4s0, यहाँ पर 4p0, ठीक है, ये मैंने बना लिया, देखो मैं बना रहा हूँ, आप लोग भी समझो बातों को कि कैसे कर रहे सर, एक दो बार अगर आप रिपीट कर जाओगे ना तो आई एम डेम श्योर कि आप लोगों को 100% आ जाएगा। अब कितना है बच्चों, यहाँ पर 3d5 है, कितना है यहाँ पर, 3d5 है। अब यहाँ पर जब आपका 3d5 है तो यहाँ पर कैसा होगा बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 हो गया। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए, अब ये क्या है, सबसे पहले पहचान, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL, क्या करेगा बच्चों, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर्ड करेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, 6 का मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों इसका, अब ये भी आप लोग जानते हो, ऑक्टाहेड्रल, 6 का मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होगा, D2sp3 और sp3d2, बात क्लियर है, D2sp3 और sp3d2। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट में आपको पेयरिंग कराएगा, तो अंदर वाले कितने डी खाली चाहिए मुझे, 2d खाली चाहिए, अंदर वाले मुझे कितने डी खाली चाहिए, 2d, तो पेयरिंग करेगा, चलो पेयरिंग कराया, एक इधर एक इधर, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, फाइनली आपका बन जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पर एक ये, और यहाँ पर एक ये, ठीक है,
अब देखो यहाँ पर कितने हो गए पेयरिंग में, बच्चों देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हुआ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये वाला पेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब देखो कितने डी खाली हो गए हमारे पास, यहाँ पर एस, यहाँ पर पी पी पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये खाली हो गए, अब ये खाली हो गए तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 छः वाले आपके छः खाली है, तो ये कौन सा हाइब्रिड और ऑर्बिटल होगा D2sp3, ये भी कौन सा होगा बच्चों आपका D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना, ये भी आपका कौन सा होगा D2sp3, ये भी आपका कौन सा होगा D2sp3। तो जल्दी जल्दी करते देखते फटाफट, CN6 है, 6 के 6 CN लगा दो, ये मैंने 6 के 6 CN लगा दिया आप लोगों के, समझ में आया। और ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहाइड्रल, इस बात का ध्यान रखें बच्चों आप लोग, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहाइड्रल, इस बात का 100% ध्यान रखें बच्चों। अगर आपने ये भी गलती की, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहा हूँ, अगर आपने उस तरीके से करना सीख लिया तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या यहां पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे, म्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू, ठीक है। अब यहां पर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे, एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट ऑफ 3, और अंडर रूट ऑफ 3 को क्या बोलते हैं, 1.84 बोर मैग्नेटॉन। आई होप सो कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को यहां पर डील करना है, काफी इजी है, काफी सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोकस करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पे फोकस करते हैं। अब देखो हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने यहाँ क्या माना है बच्चों, यहाँ पर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ मैंने क्या माना है बच्चों, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने यहाँ मान लिया 6, ठीक है। अब सबसे पहले CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, CO का ON नंबर निकालो, ON नंबर कैसे निकालोगे बच्चों, ये X है 6 CN, एक CN का -1 और यहाँ पर -3, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, +3, बात क्लियर है। तो यहाँ पर CO क्या है बच्चों, +3। अब CO का नॉर्मल कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, आप पेज पलटिए, कल जो लिखा है उसको रिपीट करिए, देखिए आप लोगों को पता पड़ जाएगा, ऑर्गन, वो ऑर्गन 3D7 4S2, क्या लिखा था, ऑर्गन 3D7 4S2, काफी इजी, ठीक है। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने मुझे उसमें से, तो क्या करूंगा, ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने एस में से निकाल दिए और 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो डी में से भी निकाल दूंगा, तो क्या बच जाएगा, ऑर्गन, बोलो ऑर्गन 3D, बेटा आप लोग लेक्चर के साथ साथ बोला करो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, 3D6 4S0, यहाँ पर 4P0 लिख दिया मैंने, चलो बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा। अब यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ पर मुझे डी ऑर्बिटल बना लेते, ठीक है, सबसे पहला काम करते डी ऑर्बिटल बना लेते, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, सबसे पहले डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, बना लिया। अब देखो ऑर्गन में कितने हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑर्गन में कितने, 6, 1 2 3 4 5, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 भर दिए। अब ये कौन सा फील्ड लिगेंट है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, ये बात भी सही है। अब ये 6 है, 6 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 होगा या तो sp3 D2 होगा, तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा यहाँ पर D2sp3 तो होने वाला नहीं है भाई साहब, D2sp3 तो होने वाला ही नहीं है भाई साहब, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर sp3 D2 तो होने वाला नहीं है भाई साहब, आप लोगों को पता पड़ गया होगा sp3 D2 नहीं होने वाला, मैंने पहले बोला था वो गलत बोला था, sp3 D2 नहीं होने वाला, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अंदर वाला डी खाली आपका होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे पहले पेयर कराएगा, पेयर कराओ, अब इसको मैंने पेयर कराया, देखो ये वाला यू पेयर कराया, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, अब देखो 1 2 3 4, यहां पर ये,
ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 DA, 1 SA और 3 PA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर CN को डालना है, ठीक है, किसको डालना है, CN को डालना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, CN। अब देखो मुझे तो निकालना क्या है एक्चुअली, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू यहाँ पर n n प्लस 2 होती है, लेकिन क्या यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आफ्टर SFL के बाद, क्या यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं है ना, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू की वैल्यू 0। दिस इज अ डायमैग्नेटिक स्पीसीज, दिस इज अ व्हाट, डायमैग्नेटिक स्पीसीज, ये आपका डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। आई होप श्योर कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने किया। तो आप लोगों को यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर पता पड़ गया होगा, तो आप लोग बता सकते हो इसका 3.95, इसका 2.8, इसका 1.84, इसका 0, ये तीनों आपका पैरामैग्नेटिक है, ये तीनों आपके क्या है बच्चों, पैरामैग्नेटिक, ये तीनों आपके पैरामैग्नेटिक है और ये वाला आपका डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहला फर्स्ट का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद फोर्थ का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से एक नोट आप लोग लिख सकते हो इस क्वेश्चन के बाद में, मैं एक नोट लिखा देता हूं तो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक नोट आपको लिख लेना चाहिए, इफ मैं आपको नोट लिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इफ 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 ऑलरेडी d orbital, if already vacant d orbital, vacant d orbital is present, vacant d orbital is present, present in molecule, if already vacant d orbital is present in molecule, then बोलो, अगर आपके पहले से ही vacant d orbital molecule के अंदर present है, then strong field ligand no need of pairing of electrons in the presence of strong field ligand, यहाँ पर no need, यहाँ पर किसी भी टाइप के आपके strong field ligand में presence होने की कोई requirement नहीं है। I hope sure कि अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों completely, I am damn sure कि अब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम करते हैं next question देख लेते हैं बच्चों, next question बेटा, अगर आपने इस तरीके से किया तो आप लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा, मैं आप लोगों पे पूरा भरोसा करता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद ये नोट लिख लेना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका नोट है, ये कई क्वेश्चन घुमा के देगा, ठीक है। ये नोट आप लोग लिख लेना जो हमने यूज़ किया अभी क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगला हम देख लेते बच्चों, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते, मैच द फॉलोइंग, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो ये हो जाएगा आपका लिस्ट वन, यहां पर हो जाएगा आपका लिस्ट टू, ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका लिस्ट टू। ये ए है, ए आप देख लेते हैं हम लोग, यहां पर निकल NH3 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2+, बी आपका है बच्चों यहाँ पर PtCl4, 2- सी आपका है बच्चों यहाँ पर NiCO4, और डी आपका है बच्चों यहाँ पर
COOX थ्राइस 3-, ठीक है, ये आपका है। बच्चों आप लोग होमवर्क क्वेश्चन का फोटो नहीं भेज रहे बच्चों, दिस इज अ रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग है बच्चों। मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं भेज क्वेश्चन का आंसर करके नहीं भेजोगे तो क्या ये फेयर है बेटा? आप लोगों को भेजना चाहिए। देखो मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को हर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका फोटो भेजना चाहिए, ताकि आपको क्या हो कि अगर मान लो अगर आपको आता भी है और आपने फोटो नहीं भेजा, लेकिन मेरे नज़र में क्या होगा बच्चों, आप लोगों को नहीं आया समझ में, होगा ना? इसीलिए आप लोगों को फोटो भेजना चाहिए ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ चुका है। सो प्लीज़ आप लोग है ना, जो जो क्वेश्चन में या होमवर्क लिखता हूँ उसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके भेजा करो बच्चों, ठीक है? आई होप सो कि अब से आप लोग भेजोगे, सो प्लीज़, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पी एस पी थ्री, ये आपका क्यू हो जाएगा आपका एस पी थ्री डी टू, आर आपका हो जाएगा डी एस पी टू दिया हुआ है, और एस आपका क्या दिया हुआ है, डी टू एस पी थ्री। अब देखो बच्चों यहाँ पर डील करते हैं अब हम क्वेश्चन से डील करते हैं बच्चों। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमको इसको मैच करना है, काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम एक और लिस्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन लिस्ट बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अब अच्छे से आ चुका है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब भी नहीं आया होगा तो ये तो आप कर ही नहीं पाओगे, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है? इसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो सब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक में हर एक कंसेप्ट को लेता हुआ ही चलने वाला हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक एक करके सोल्व करते हैं। पहला ए ऑप्शन, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तुरंत निकाल लेंगे हम लोग। निकल NH3 यहाँ पर 6+2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हाट, 6 × 1 यूनिट एंटेड है, 6 × 1, ये 6 हो गया, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल का निकालो। मैं अब ज़्यादा लंबा मेथड नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया है, अब आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो गए होंगे कि इसको कैसे करना है। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, एक्स, जल्दी बोलिए, एक्स प्लस 6 × 0 यहाँ पर हो जाएगा +2। तो निकल यहाँ पर कौन से स्टेट में बच्चों, +2 में, वेरी गुड, ठीक है। अब निकल का आइसोलेटेड स्टेट में कितना होता है बच्चों, निकल का आइसोलेटेड स्टेट में होता है वो ऑर्गन 3D8 4S2, ऑर्गन 3D8 4S2। अब वहाँ से मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो यहाँ पर, दो इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाओ ऑर्गन 3D8 4S0। तो यहाँ पर 4P0 भी मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एस का ये हो जाएगा और यहाँ पर पी का ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, ठीक है। आप देखो बच्चों यहाँ पर जल्दी, अब देखो यहाँ पर 3D8 है, तो 3D8 बनाऊँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये हो गया। अब NH3 इज़ अ वीक फील्ड लिगेंट, मैंने आपको बताया था NH3 आपका क्या है बच्चों, वीक फील्ड लिगेंट है। और वीक फील्ड लिगेंट की खास बात क्या है, वीक फील्ड लिगेंट कैन नॉट पेयर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक और बार मेरे साथ रिपीट करिए, वीक फील्ड लिगेंट कैन नॉट पेयर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और बार, वीक फील्ड लिगेंट कैन नॉट पेयर द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंट है बट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट। ये लाइन बार बार लिखा रहा हूँ, मैं क्यों लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट इन प्रेजेंस ऑफ CO+3 एंड Cu+2। तो क्या यहाँ मेटल CO+3 Cu+2 है, हाँ या ना, चेक करिए, CO+3 और Cu+2 है, हाँ या ना, नहीं, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आ चुके हैं कंसेप्ट, आप लोग रिपीट करोगे तो आप लोगों को पक्का अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अब ये वीक फील्ड लिगेंट तो अनपेयर तो नहीं कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल है, ऑक्टाहाइड्रल में आपके दो बन सकते हैं, D2SP3 बन सकता है,
एक आपका क्या बन सकता है sp3d2। अब sp3d2 का मतलब, अब देखो वीक फील्ड लिगेंड है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब पेयर नहीं करेगा तो अंदर वाला डी तो खाली नहीं होने वाला भाई साहब। अब कौन से डी के तलाश में होगा ये? बाहर वाले डी के तलाश में। कौन से वाले डी के तलाश में होगा? बाहर वाले डी के तलाश में। तो यहाँ पर 4d0 भी काम में आएगा। ये पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने भी आ गया, अब आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब बाहर वाले डी की तलाश में होगा तो बाहर वाले, आप देखो ये एक एस काम में आएगा, ये 3p काम में आएगा और यहाँ का 3d काम में आएगा। ये आपस में क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप लोग चेक करो, यहाँ पर अब क्या करेगा? NH3 अपना एक लोन पेयर इसको देगा, ये NH3 एक और 6 NH3 है ना, 6 NH3 अपने 6 लोन पेयर देगा। तो दिया इसने भाई साहब ने इसने हमारा बहुत अच्छे से लोन पेयर को दिया है। समझ में आया है बच्चों? ये दिया है। अब यहाँ पर क्या हो गया? कौन से बाहर वाले है? यहाँ पर पहले S काम में आया, अब बाहर वाला काम में आया, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? sp3d2। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू ऑप्शन। पहले का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों? क्यू ऑप्शन। और ध्यान रखना, और ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आपका कौन सी किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा? आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहूँ तो इसमें कितने अनपेयर है बेटा? एक ये कितने अनपेयर है? 2। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 4 × 8 = 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.9 कुछ बोर मैग्नेटॉन। आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा फंडा किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी। अब यहाँ से आप लोगों का पॉइंट स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोगों का काम आ जाएगा। और इसको ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आएगा, मार्क्स लेके जाएगा। ठीक है, मुझे देखते ही पता पड़ गया कौन सा क्वेश्चन है। तो आप लोग भी ऐसे ही अपने आप की टेंडेंसी आप लोग भी ऐसे ही करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। क्या निकालो बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? यहाँ पर 4 × 1 मतलब 4। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हाट? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हाट? बोलो एक और बार, 4। वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो किसका? पीटी का। कैसे निकालोगे? इसको मैंने मान लिया एक्स प्लस सीएल के ऊपर -2 -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2। तो x इक्वल टू कितना आ गया? +2। अब पी टी प्लस टू। अब देखो पी टी प्लस टू का कैसे करना है? पी टी प्लस टू का आप लोगों को थोड़ा पता रखना है कि किस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आप लोग जानते हो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को किस तरीके से लिखना है। अब देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो मैं आपको बताता हूँ। साइंस टीचर विनीता कपूर मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो, फिर इसके बाद क्या आता है? ये जरा नवाब मौत तक रू रहेगी पढ़ाई आगे करेंगे। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी। ठीक है, अब ये देखो ये वाला जो पीटी है, अब देखो एक्सेप्शन कौन कौन से इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला एक्सेप्शन है, इन सब के ध्यान रखना है। इसमें आपका यहाँ से एक्सेप्शन स्टार्ट होता है, निबोनियम मोलिब्डेनम टेक्टिनियम रुथीनियम रोहोडियम पेलेडियम, ये पूरा एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें आपका पीटी एक्सेप्शन है और AU एक्सेप्शन है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। ये यहाँ पर इस तरीके से निबोनियम शायद एक्सेप्शन है या नहीं, आप लोगों को चेक कर लेना है। निबोनियम भी एक्सेप्शन होगा। ठीक है, टेक्टिनियम इन सब में से कोई एक नहीं है। हाँ, ये वाला नहीं होगा, ये आपका एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन है तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर आपका आता है ऑर्गन। ठीक है, हीना नीना और
करीना जेरोक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आर, ठीक है। यहाँ पर आपका ला हफ्ता, यहाँ पर एफ बी आ जाता है, यहाँ पर एफ बी आपका आ जाता है, थोड़े यहाँ आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको मैंने क्लास 11th में पढ़ाया, वहाँ काम आ जाएगा। क्रिप्टन लिख दिया, ये आपका 3D सीरीज, ये आपका 4D, ये आपका 5D, ठीक है। 5D से पहले 4F14 आपका पूरा का पूरा भरा रहेगा, इसके बाद 5D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5D9 और 4S, 5D9 6S1, ये हो जाएगा बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आप लोग कुछ कुछ का ध्यान रख लो, यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आप ध्यान रख लो। और पहली लाइन तो आपको पूरी याद होनी चाहिए, देखो तो हिना नीना और करीना यहाँ आएगा, जेरोक्स करते रहना यहाँ आएगा, एक्जी आपका आएगा, ठीक है। क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका एक्जी, ये होता है पीटी का। अब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये जल्दी बोलो, एक्जी 4F14, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक यहाँ से निकला, तो क्या आ जाएगा 5D8 6S0, हो गया बच्चों ये, ठीक है। अब बेटा इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है तो आप अभी फिलहाल नोटबुक उठाइए और कुछ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब देखो ये एक्सेप्शन था, तो जनरली इसका क्या होना चाहिए, 8 और यहाँ पर क्या 2, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा यहाँ पर, तो एक्सेप्शन में जंप मार जाता है आप लोगों का। ये आपको अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा, मुझे बोल दीजिएगा, तो मैं इस पर रिलेटेड एक लेक्चर बना दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक दो तीन चार, यहाँ पर मैंने 6A0, यहाँ पर 6P0, ठीक है। अब यहाँ पर पहले पता लगाओ 5D कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। अब ये कौन सा लिगेंड होगा, हाँ अब आप लोगों की दिक्कत यहीं से आएगी, एक्चुअली ये कौन सा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन अभी रुकना, लेकिन मैंने आप लोगों को लिखाया था, अगर डी ब्लॉक में हम जैसे नीचे जाते हैं, डी ब्लॉक में डाउन टू द ग्रुप जाते हैं, तो लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, डाउन टू द ग्रुप इन डी ब्लॉक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट इज इंक्रीज। और ये सबसे पीटी आपने अभी देखा 5D सीरीज का है, कौन सी सीरीज का है, 5D सीरीज का। अगर 3D 4D और 5D, जैसे ही मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट बढ़ेगा, इसका मतलब CL यहां पर किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की तरह। इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की तरह। फाइनली ये आपका किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की तरह। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट का काम क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देना। मैंने तीसरी लाइन में लिखाया था, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंट में मैंने तीसरे पॉइंट में आप लोगों को लिखाया था, प्लीज उसको जाके चेक करिए। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा बच्चों, आपका पेयर। अब देखो यहाँ से अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका पेयर हो गया। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हुआ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका पेयर हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका 3 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया आप लोगों को, काफ़ी इजी लग रहा होगा। नाउ अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिया। अब यहाँ पर मुझे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, चार कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब या तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, टेट्राहाइड्रल हुआ तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, sp3, ये बात आप जानते हो, मैं बढ़ाया है। और अगर आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, dsp2, क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, dsp2। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हो रही है, तो कौन सा खाली है बच्चों,
एक डी खाली है, एक एस खाली है और दो पी खाली है, चार चार वेकेंट आपके होने चाहिए ना, तो यहाँ पर चार और ऑर्बिटल हमारे वेकेंट है, वेकेंट है कि नहीं है। अब ये चारों जो खाली ऑर्बिटल है ये आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन करा लो, एक दो तीन चार, चार करेंगे। अब इन चारों में कौन आपका, कौन अपना आपका लोन पेयर देगा, कौन सा लिगेंड, सी एल देगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर अब आपका सी एल आपका लोन पेयर देगा, ये सी एल ने दिया, ये सी एल ने दिया, ये सी एल ने दिया, ये आपका सी एल ने दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आपका सी एल ने दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो। तो मैंने अभी अभी बता दिया ये आपका डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, कौन सा है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, ठीक है, डायमैग्नेटिक स्पीसीज है। अब ये हमारा डायमैग्नेटिक स्पीसीज है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डी एस पी टू, डी एस पी टू का मतलब इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कौन सा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगर इसमें पूछना चाहूँ कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन, तो आप लोग झट से बोलोगे सर इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सो दैट्स वाई इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्पिनिटी बढ़ेगी, मतलब जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिन मूवमेंट बढ़ेगा, तो स्पिन मूवमेंट बढ़ेगा मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे पेड है, सारे के सारे पेड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर PtCl4 के प्रेजेंस में आपका ये आपका हो जाएगा बच्चों R, ये आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन R, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट NiCO4, NiCO4 कल मैंने लेक्चर में कराया था, आई होप सो कि अब आपको पता होगा NiCO4, एक और बार आप रिपीट करना, इसका sp3 होता है और COOX3 थ्री माइनस, ओ एक्स कौन सा लिगेंट है, बाइडेंटेड लिगेंट है। अब बाइडेंटेड लिगेंट है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, यहाँ पर इसका होगा डी टू एस पी थ्री। आप लोग करिए, ओ एक्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट लेके करना है, ओ एक्स को कैसा लेना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट लेके करना है, ये आपका होमवर्क है, ये प्लीज़ आप मुझे शेयर करिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करिए, इसका आंसर ये होगा, ये आपका होमवर्क है, इसका बना के मुझे भेजिएगा इस तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक बार आप डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लोगे किसी भी कंसेप्ट का तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, सगड़े समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है हमारा, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड आ गया होगा, ठीक है, आई होप सो कि अब आपको आ ही गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको मैं एक्स्ट्रा लेक्चर भेज दूंगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बता दूंगा, सो डोंट वरी, कीप वेट, वेट करो, आपको एक दो दिन में मैं वो लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट का एक एक्स्ट्रा नोट डाल के लिख लेना है, आपको एक्स्ट्रा नोट डाल के लिख लेना है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, सो डोंट वरी, इसके लिए आप लोग वरीड ना हो, अपने आप को उदास ना करें कि अगर क्वेश्चन नहीं आया तो, आप लोगों को मैं उसके लिए भी तैयार कर दूंगा, डोंट वरी। पहले आप लोग 21 से लेकर 30 तक याद कर लो, बस 21 से लेकर कहाँ तक याद कर लो, 30 तक याद कर लो। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया इस टाइप, कंसीडर द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, CO NH3 4, CO3, यही आपको इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करवाया, यहाँ पर CO3 वर्ड का मतलब कोई बहुत बड़ा मीनिंग है, CO3 इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर एंड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन रेस्पेक्टिवली
अब बात को आपको समझना है, ये क्वेश्चन है हमारा काफी इजी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो आपका CO3 है वो एक्चुअली CO3 कौन सा वाला है, कार्बोनेटो, मतलब CO3 2 माइनस है। CO3 कितना है, 2 माइनस है। अब देखो CO3 2 माइनस, अब यहाँ से ध्यान रखना, सम यहीं पर ध्यान रखना, डेफिनेशन कई कई बार पूछ लेता है, फ्लैक्सीडेंटेड, फ्लैक्सीडेंटेड, फ्लैक्सीडेंटेड क्या होता है बच्चों, अब समझना, विच कैन शो, विच कैन शो, विच कैन शो टू टाइप ऑफ डेंटिसिटी, टू टाइप्स ऑफ डेंटिसिटी, डेंटिसिटी अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब जो दो तरीके की डेंटिसिटी दिखाए, मतलब कार्बोनेट आपका जो है वो आपका वन डेंटिसिटी भी दिखाता है और कार्बोनेट आपका कितना दिखाता है, दो भी दिखाता है। SO4 टू माइनस आपका एक भी दिखाता है और SO4 टू माइनस आपका दो भी दिखाता है। दीज आर द फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड, दीज आर द फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड। यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स बनाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका दो डेंटिसिटी दिखा रहा है। चालू करते हैं, आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना VVI डाल के एक बार, मैं क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर करते हुए जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, फोर है और ये यूनिडेंटेड है, प्लस ये अकेला एक है और ये बाइडेंटेड है, कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स। ठीक है, अगला क्या करना है बच्चों, हमको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों अगला हमको यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, इसका निकालना है मेटल आयन का, तो इसको एक्स मान लेंगे, प्लस फोर इंटू जीरो प्लस वन इंटू माइनस टू इक्वल टू, यहाँ से ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन, तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस थ्री, ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस थ्री। अब सबसे बड़ी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी मेटल आयन, मेटल आयन में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लस थ्री का ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट प्लस थ्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारा क्या होगा, समझना, कोबाल्ट का आइसोलेटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑर्गन 3d7 4s2, क्या होता है, अगर मैं आइसोलेटेड स्टेट की बात करूं तो आइसोलेटेड स्टेट में कितना होता है बच्चों, ऑर्गन 3d7 4s2। तो CO प्लस थ्री का कितना होगा बच्चों, तो यहां पर आपका तीन इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना होगा, ऑर्गन 3d6 4s2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन है। आई होप सो कि अब आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अब मैं आप लोगों को एक स्टार क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को उसको सोल्व करना है VBT से रिलेटेड, मैं तो आप लोगों को बताना है डायमैग्नेटिक, ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, चार से पांच क्वेश्चन तो आप लोगों को करना है, ठीक है ना, होमवर्क क्वेश्चंस। सो होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, फिर अगले लेक्चर में हम CFT स्टार्ट करेंगे। सो होमवर्क क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, द डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर, पहला है बच्चों आपका CO CN6, फोर माइनस खुद से एक बार करना है, बी CrH2O6 थ्री प्लस, सी FeCl4 टू माइनस, डी FeH2O6 थ्री प्लस। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, आपको डायमैग्नेटिक स्पीसीज आपको पहचानना है इसमें से, और ई आपका निकल Cl4 टू माइनस, ये आपको, आपको यहाँ पर डायमैग्नेटिक स्पीसीज को पहचानना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप श्योर कि आप लोग कर लोगे, ठीक है, आपको इतने क्वेश्चन में बताना है कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा नहीं है, आप लोगों को सबका एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है।
हम लोग इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में पक्का डिस्कस करेंगे। एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन राउंड वाला लेक्चर होगा, वहाँ हम पक्का डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन राउंड होगा वहाँ मैं पक्का डिस्कस करूँगा, नहीं तो मैं डाउट सेशन में पक्का डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैं डाउट सेशन में पक्का आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है? आई होप सो। आज के लिए अभी के लिए यहाँ तक ही, ठीक है? आप लोगों को आई होप कि मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में ना आए तो बार बार डाउट पूछो। अगर लेक्चर समझ में आया है तो आप लोग इसको क्वेश्चन को होमवर्क क्वेश्चन को डील करो। इतना कर लोगे बेटा मैं आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा लेवल पे हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं अभी क्वेश्चन ऑन में करा रहा हूँ वो क्वेश्चन की तो 5 से 6 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन एक छोटे मोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके लेक्चर मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ जो कि आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है? आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।